आज यार बहुत 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 ज्यादा गर्मी है। हमारे मोर बेचारे ना कोने में जाकर बैठे हुए थे और इन बेचारों ने मुंह खोला हुआ था, हर वक्त पानी भी पी रहे हैं लेकिन फिर भी इनकी गर्मी नहीं जा रही। सारे जानवर तंग है गर्मी की वजह से और हम खुद भी बहुत ज्यादा तंग है। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, मैंने अपने फाउंटेन में पानी डाल देता हूँ नया वाला ठंडा ठंडा, ताकि हमारी बदके ना बेचारी नहा सकें ठंडे और साफ पानी में। अभी इनको मैं निकाल देता हूँ, चलो भागो। अभी साफ करते हैं इसको, फिर ना इसमें साफ ताजा पानी भरते हैं। तो यार यहाँ से तो यार साफ हो गया प्रॉपरली ना, पानी भरने देते हैं, उसके बाद हमारी डक्स जो है ना इसके अंदर नहाएंगी। अभी नहाओगे? पानी साफ नहीं है यार इतना। तो यार अब देखिएगा इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा फाउंटेन हम बनाएंगे। इसको तोड़ेंगे नहीं, इसी को ही रेनोवेट करेंगे पूरे। मतलब हमारी जो छत है ना, मास्टर की हो गया, बाकी सारी छत होगी, इसको इतना प्यारा बनाएंगे ना दिल खुश हो जाएगा जब हम ऊपर आएंगे। अभी तो अच्छा नहीं लगा ना, पुराना पुराना हो गया ना सब, कितना पुराना हो गया। मतलब जब बनवाया था कितना साफ साफ था, अब सब गंदा हो गया। लेकिन एक दिन देखना, अभी कुछ ही दिनों में हम इसको प्रॉपर रेनोवेशन इसकी कराएंगे, सब कुछ साफ सुथरा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वो देखें, तकरीबन 15-20 दिन के बाद ये बेवफा कबूतर हमारे वापस आ रहे हैं। सिप्तैन भाई, ये वही कबूतर हैं जो हमारे घर पहले रहा करते थे, फिर गुम हो गए थे, आज कैसे याद आ गए इनको? आजाद हैं वो, आजाद, उनको जीने दो। कोई नहीं यार, घूमते रहे, अब ये हमारे घर नहीं आएंगे, मुझे इतना तो यकीन हो चुका है, क्योंकि अब ये आजाद रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमारे है ना कबूतर, ये देखें दोस्तों कितना ज्यादा कबूतर है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ यार, बच्चे भी थे ना, बच्चा एक ही था। हाँ, एक ही था, बाकी तो अंडे थे। पर आ गए बच्चे के, क्या ही बात है, निकालो निकालो। किस कलर का है? प्यारा कबूतर है। अरे भाई बहुत प्यारा, ग्रे कलर और व्हाइट कलर, देखो इनमें से कौन सा है, किसका बच्चा है ये? मुझे पता चल गया ऐसे पहले, किसका ये? इसका मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ इसका। चूंच तो नॉर्मल वाली, नॉर्मल है, मैं समझ रहा था उसके बच्चा है वो, देख रहे छोटी चूंच वाला। हाँ, फिर आप समझ रहा था कि इसका बच्चा जो जा रही है ये वाला छोटी चूंच वाला, इसका पता नहीं कौन है माँ बाप, हमें इतना भी नहीं पता, रश लगा हुआ है ना दोस्तों। हाँ, फिर समझ नहीं आती है किसके अंडे थे, कौन इसको पाल रहा है, बस ये बड़ा हो रहा है इतना पता है। हाँ, फिर आप देखो इसने कितनी अच्छी जगह पे घोंसला बनाया हुआ है अपना, इस वाले ने बिल्कुल, इधर से भी दीवार है, इधर से भी दीवार है, दरमियान में तिनके इकट्ठे कर रहा है ये, इधर अंडे देंगे। हाँ जी भाई, बच्चा है यार इधर तो है। हाँ ना, निकालो निकालो, आज सब कुछ देख लेते हैं इधर क्या सिचुएशन है, सारी की सारी पता चल जाएगी। काटते, अरे वाह, ये फैंसी लग रहा है थोड़ा, मुझे लग रहा है फैंसी है। इसकी चोंच तो बड़ी है, चोंच भी बड़ी है और वाइट ज्यादा है, ये डार्क नहीं है, ग्रे ग्रेट है, चार है सिपी। हाँ, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, हाँ, कुछ भी हो सकता है। चलो और भाई नहीं है, इसको संभाल के रख दो, रख दो, रख दो, रख दो। सर बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगा यहाँ पर आकर, काफी दिनों बाद हम आ रहे हैं अंदर। क्या हो गया भाई, ये तो सेम है, भाई बहन लग रहे हैं। माशाल्लाह, क्या ही बात है भाई, तीन बच्चे हो गए यहाँ पर, हम काफी दिनों बाद आना, इस वजह से हमें ज्यादा चीजें देखने को मिली है, बहुत अच्छा लगा है भाई साहब। गुड, जब भी इनके पास आता हूँ ये घास खा रहे होते हैं, खाने के अलावा कोई और काम है भाई तुम्हें? बादशाह और शहजादा, ऐसे था ना यार, भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। इसका नाम था मेरे ख्याल में शहजादा, इसका नाम था बादशाह। हाँ, ऐसे 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 था। चलो खाओ, और वहाँ पर वो साहब भी खा रहे हैं सारे खाने। हाँ भाई, तुम लोग यार जंतर ना खाया करो तो अच्छी बात है, टोका खाया करो, टोके से तुम लोग ज्यादा हेल्दी हो जाओगे ना। ये तो सिर्फ ऐसे ही है आरजी। जी चाचू, इस गाड़ी के ऊपर गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है ये? ये है भैंस वाली गाड़ी। भैंस वाली गाड़ी, शयान कह रहा है कि आज ना चाचू मैं इस गाड़ी के ऊपर बैठूंगा। इस गाड़ी की ब्रेकें नहीं है, पहले बता रहा हूँ, बैठने है ऊपर, सिर्फ रेस ही देगी वो सीधा। ओए मर, ओए आप ना हो, आप ना हो, वो गुस्से में हो रहा है। आजो भाई, आजो आजो आजो, आज मूंगफलियां भी खत्म हो गई इनकी, अखरोट भी खत्म हो गए हैं, सुबह हर हाल में लेना पड़ेगा। ए यार ऐसे डालते हैं, नीचे गिरा रहे हो सारे। ओ जैक, क्या मसला है? तो चने दोस्तों हमने रख दिए इनके पास, लेकिन जैक ना वीजी को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रही है लेकिन जैक उसको मारने की कोशिश कर रहा है। No. जैक नहीं करो यार, उसको भी खाने दो, तुम्हारा अलग है उसका अलग है यार, क्या मजाक है ये? बुखड़पन है, बुखड़पन और कुछ नहीं है। चलो चलो जैक आ जाओ मेरे पास, चलो वीजी तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बिठाता हूँ ऊपर। ये देखो अब फिर डांटना शुरू कर देगा उसको। हाँ, मैं तो जाऊँ यार, सिर्फ टाइम खुद देखेगा। मसला है क्या है?
बिठाओ। नहीं भाई, भैंस के ऊपर नहीं बिठाना हमें। मैं नहीं बिठाऊंगा यार, चोट लग जाएगी चाचू। सुशांत काफी टाइम से यार जिद कर रहा है, हमने इसको भेज दिया था कि नहीं बिठा सकते उस टाइम जब तू आपसे कह रहा था, हमने कहा जाओ घर बाद में आना, देखें क्या सोचेंगे, लेकिन ये बंदा बार बार आ रहा है चंगर। इसको कहते हैं नहीं बिठाना, लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं। नहीं बिठाना भी, नहीं बिठाना, नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ भाई यहाँ से, हमने नहीं बिठाना, जाओ 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 जाओ। वाकई बिठाने, बिठा देते थोड़ा सा। अच्छा हाँ, पहले इसको खोलते हैं सही है, इसके ऊपर फिर सयान को यहाँ पर बिठा देंगे, थोड़ा सा राउंड मरवाएंगे मिनी जो का, हाँ फिर छोड़ देंगे। बैठो बैठो, तो नवीद भाई ना हमारे बैल को संभालेंगे और हम शयान को। अभी शयान ना थोड़ा थोड़ा डरने लग गया, अभी खुद कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम पकड़ लेंगे, पकड़ लो, बिठा दिया इसको, पकड़ लो यहाँ से, पकड़ लो यहाँ से, गिर जाओगे यार, कुछ नहीं होता। ये देखो मैं भी साथ हूँ, मैं भी बैठा, घोड़े पे सवार हो गया चाचा, हाथ इसको यहाँ से पकड़ लो जैसे बाइक को पकड़ते। अब क्यों डर रहे हो? तो यार शयान ना पहले रो रहा था, लेकिन अब मुतमाइन हो गया, सेट हो गया, राम राम से, राम राम से, रुक जाओ, हाँ पकड़ लो, हंस तो हंसो तो सही। शयान अंदर अंदर से डर भी रहा है, खामोश हो गया वो, देखे यहाँ पर, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, दोबारा राउंड लगाते हैं, आ जाओ, हाँ जी, तो आप छोड़ दो अब चाचू, मैं छोड़ रहा, पकड़ दो लो उसको, पकड़ो तो सही, आप संभालो ना, रस्सी से कैसे, घोड़ा थोड़ी है, यहाँ से पकड़ लो, हाँ वो जैसे बुलने ऊपर नीचे होता गेम में वैसे होगा, पकड़ो इसको, पकड़ लो, गिर जाओगे, पकड़ो ना यहाँ से, पकड़ो हाँ जोर से, चलो भाई अब सही है, गुड, आ जाओ, अच्छा अच्छा, गिरना नहीं पकड़ना है यार, बस मजा आया, बाहर ले जाए आपको बाहर। चलो यार डर गया, चलो आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी, डर रहा था फिर खुद बोलेंगे बैठना, हाँ ठीक है अब इसको बांध देते हैं यार, अच्छा काम किया, थका भी नहीं है यार, इसकी हिम्मत है बैल की। भाई मैं भूल गया था फाउंटेन खुला हुआ है, आ जाओ, ओ बच गए बच्चे, अभी फुल नहीं हुआ, मैं समझ रहा था कि फुल हो गया होगा और नीचे गिर रहा होगा, लेकिन पानी यहाँ तक आ गया एंड तक, अभी तक डक्स को नहीं पता चला इसमें पानी आ चुका है नया वाला, अभी तक वो वहां पर घूम रही हैं। हाँ ऐसे 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 ऐसे, बस एक दफा देख लें ये, अच्छा यार इनको नहीं पता ना पानी आ गया, हाँ हाँ इनको क्या पता, फाउंटेन सूखा हुआ है, हाँ एक को हमने डाल दिया इसके अंदर, इसकी आवाज सुन के ना दूसरी भी आ गई है फौरन, अभी ये खेलेंगे यहाँ पर, खुश होंगे, क्या ही बात है, बाकी होगी बाकी हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, हाँ भाई कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, यार इस बड़े डक को डालने की वजह से ना सारी की सारी हमारी छोटी डक्स ना बाहर निकल गई हैं, बहुत ये विलन लग रहा है मुझे, वो शक्ल ही इसकी इतनी खौफनाक है, डर के भाग गई वो, आते साथ ही सारा पानी गंदा कर दिया इसने और सबको भगा भी दिया, अपना ही समझ लिया इसने तो, ये बेचारी डक्स ना डर की मारी इधर आ चुकी है और ये बदमाशों की तरह ना अकेला यहाँ पर नहा रहा है, तुराब ने यार इसको अंदर छोड़ दिया, ना छोड़ता ना वो बेचारी नहा रही होती। भाई कुछ चीज आई है, जी जी भाई मैं भी देखने आ रहा हूँ, इसको खोलो ना, हाँ रहे मुझे, ये कैसे पाइप है, यही तो चाहिए था, यार डरा दिया उनको दे बहन। अच्छा यार ये कैसे यार संभालेंगे, ये तो अजीब है पाइप, अच्छा नहीं है सिप्टैन ये, यार यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि चक्की लगवा दी जाए जिसमें ये पाइप आराम से फोल्ड हो जाए, ऐसे तो बहुत ज्यादा मसला होगा, देख रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे कोई कपड़े की रील है, मैं ऑन कर रहा हूँ, ये ओ भाई ओए गलत हो गया, गलत हो गया, ये नहीं आ रहा, ये क्या था, बंद कर दोबारा दोबारा ट्राई कर दे यार, चलो तुराब पानी आ रहा है देख। यार कब होगा हमसे, अबे यार एक दो तीन, अब सीधा सीधा रखना, खोल दिया मैंने सीधा, वहां से हाँ किधर है, आ गया, ओ फाइनली मैंने क्या बाहर ले आओ इसको, रोड पे फुटपाथ पे पौधे को पानी नहीं देते, वही वाला प्रेशर है,
ये आराम से पानी आ जाएगा, प्रेशर फुल तेज है, आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें फुल प्रेशर है, इसको भी हम आराम से धो सकते हैं। अब ये देखो, ओ भाई मरता है वो? नहीं नहीं, मट्टी बहुत ज्यादा थी। ओ भाई अब तो आएगा मजा पानी देने में भी। इधर इधर यार, जल्दी से हम पानी दे दें पौधों को, फिर ना पाइप को बंद कर सकते हैं। भारी है, भारी है और कपड़े वाला है ना, स्लिपरी है, अजीब है यार, हो जाएगा। पहले ना इनकी पानी ज्यादा है ना, इस वजह से ये बहुत जल्दी काम करेगा, देख रहे हो। हाँ बाकी की निस्बत फिर से निकल गया, फिर से निकल गया। ये देखो भाई साहब, बस भाई बस और नहीं। उए भाई सुबह भी ऐसा ही खुला होगा भाईजान, खुद खोलता है रस्सी ये। कितना अकल होती है इनमें यार, पता नहीं है, अब कोशिश तो पूरी। यार हमारा बैल ना इस रस्सी को बार बार ऊपर की तरफ खींच रहा था कि मैं इसको खोलूं, और सुबह खुला भी हुआ था, और अंगूर वो देख रहे हो, अमरूद का पौधा सारा का सारा खराब क्यों हुआ था इसमें सुबह सुबह, जल्दी से मैंने बंद कर दिया था भाई, मैं तो इसको ऐसे ही पागल समझता था। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शेयर में ध्यान को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब भाई इसको पाइप ले तो आए हो भाई, वही वही मैं वही सोच रहा हूँ इसको कैसे फोल्ड करोगे। इधर आओ यार, जरा काम है एक और, इसको छोड़ दो तुम, बाद में कर लेंगे। यार किधर गई? हाँ इनको मैंने टोक, बस करो भाई अब टोके की बारी है, बस करो खाने की, टहनी वैसे बचाई हुई है सिर्फ।